मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिन्हें लोग द गॉड ऑफ थंडर थॉर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वो बिजली की सृष्टि कर पाते हैं, यानी कि वो अपने दिमाग की असीमित शक्ति का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस पावर को इलेक्ट्रोकाइनेसिस कहते हैं। तो क्या सच में इलेक्ट्रोकाइनेसिस जैसी कोई पावर होती है, और अगर होती है तो क्या हम और आप जैसे ऑर्डिनरी पीपल इस पावर को अचीव कर सकते हैं? एज यू गाइज नो कि ना तो मैं कहूँगा नहीं, सो येस ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल एंड यू कैन अचीव इट। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी सबूत के, बिना रिसर्च किए आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। नहीं भाई, इलेक्ट्रोकाइनेसिस सच में पॉसिबल है। इनफैक्ट आप इस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन अपने बॉडी के अंदर। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप कैसे अपने शरीर के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी बाहर ला सकते हो, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये वीडियो थोड़ा टफ होने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी तो आप एग्जिट कर सकते हो। सीधी तरह से कहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यूजुअली एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स कहते हैं। अब जब एक पॉजिटिव एटम और एक नेगेटिव एटम एक दूसरे के आसपास होते हैं, तब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है उस एटम के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम में चला जाता है। क्यों? बिकॉज उस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बैलेंस में लाने के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, ऐसे करके बहुत तेजी से मूव करते हैं, तभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर आप चाहते हो कि आसमान में जैसी बिजली कड़कती है ठीक वैसी ही बिजली आप अपने दिमाग की शक्ति से प्रोड्यूस कर पाओ, तो इसके लिए आपको अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन्स का मदद लेना होगा। आसमान के बादल में जब किसी एक तरफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज एटम्स और दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जमा हो जाते हैं, तब नेगेटिव पॉइंट से अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड में चले जाते हैं और इतनी रफ्तार से जाते हैं कि हमें एक तेज लाइट की झलक दिखाई देती है। इसका मतलब अगर आप अपने दोनों हाथों के बीच इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके एक हाथ में नेगेटिवली चार्ज एटम्स और दूसरे हाथ में पॉजिटिवली चार्ज एटम्स ज़्यादा होने चाहिए। इससे क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज हाथ से पॉजिटिवली चार्ज हाथ में बीच के हवा में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और आसमान की बिजली की तरह एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी। इस पावर की मदद से आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट्स, फैंस, टीवी ये सब चला सकते हो, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और थॉर जो जो चीज़ें कर पाता है वो सब कर पाओगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई एक हाथ से दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो करें कैसे, तो मेरे भाई आपका दिमाग बहुत ही पावरफुल है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको मच्छर काटता है तब बिना देखे आपके हाथों को कैसे पता चल जाता है कि ठीक उसी जगह मारना है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ढूंढ। देखिए आपके शरीर के सेल्स के अंदर पोटेशियम नाम के एटम के नेगेटिव एटम्स ज़्यादा होते हैं और सेल्स के बाहर सोडियम नाम के एटम के पॉजिटिव एटम्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एटम्स में नेगेटिव पॉजिटिव फर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब आपको कहीं मच्छर काटता है तब उस जगह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है और वो करंट एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और आपको पता चलता है कि आपको मच्छर काट रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह से अपने एक हाथ में पोटेशियम के नेगेटिव एटम्स और दूसरे हाथ में सोडियम के पॉजिटिव एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लो तो दोनों हाथों के बीच करंट फ्लो होने लगेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड हाथ से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाथ में बीच के हवा के थ्रू ना जाकर आपके बॉडी के अंदर से ही चला जाए दूसरे हाथ में। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपने हाथों के बीच से ही मूव कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली लाता भी रहता हूं। और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि क्या आप थॉर के जैसा पावर पाना चाहते हो, और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।